हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मिस्मान। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई ये जो हमारा ads.txt स्टेटस है, ये नॉट फाउंड, ये अनऑथराइज्ड अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आपके सामने है कि मेरा जो है वो यहाँ पर ऑथराइज का ऑप्शन आ रहा है, मीन के मेरा जो है वो सॉल्व आउट हो चुका है। तो आपका क्यों नहीं सॉल्व हुआ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एक रीज़न हो सकती है कि जो गूगल के बोट्स होते हैं ना, जो क्रॉलर होते हैं, वो कभी कभी देर से आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये पॉइंट करने हैं, ये स्टेप करने हैं, तो आपकी वेबसाइट पर ये जो गूगल एडसेंस में इशू आ रहा है, ये जल्द सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि आपने अगर तो अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड नहीं किया हुआ, तो फिर भी आपका ये इशू जो है वो लेट सॉल्व आउट होगा, क्योंकि गूगल के क्रॉलर जो हैं वो आपकी वेबसाइट को जल्दी क्रॉल नहीं करेंगे, तो आपकी वेबसाइट पर ये इशू ऐसे ही रहेगा। तो आपने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट्स को जो है, आपके वेबसाइट का जो साइड मैप है उसको आपने ऐड करना है, ठीक है। किस तरह ऐड करना है वो मैं इस पर पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप इस तरह इसका जो है वो साइड मैप ऐड करें, इससे क्या होगा कि गूगल को एक पाथ मिलेगा कि आपकी वेबसाइट पर कोई भी न्यू कंटेंट आएगा तो गूगल उसको क्रॉल करेगा, तो जिसकी वजह से आपने जो वहां पे कोड पेस्ट किया होगा वो भी गूगल क्रॉल करेगा और उस इशू को जो है वो सॉल्व आउट कर सकेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपने साइड मैप भी ऐड किया हुआ है और कंटेंट आपको देर हो चुकी है, आपने कंटेंट कोई न्यू आर्टिकल नहीं लिखा, तो आपको क्या क्या करना होगा कि आप एक आर्टिकल न्यू ऐड करें और उसको क्या करें कि यहां पर आपको ये जो आर्टिकल मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ये मैंने आज लिखा था, तो आपने यहां से इस आर्टिकल जो है वो आपने यहां से इसका यूआरएल कॉपी कर लेना है जो आपने न्यू आर्टिकल लिखना है, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, यहां पर आपने इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना और वहां पर आके पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। ये करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर ये जो आपके यूआरएल को है वो चेक करेगा क्या ये गूगल पर है या नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इससे को सुबह ही मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरा ये जो लिंक है आप इसको गूगल पर क्रॉल करवाएं, ठीक है, गूगल पर इसको आप दिखाएं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे इस लिंक को जो है वो क्रॉल कर लिया। इसका मतलब ये है कि गूगल पर जो है मेरा जो गूगल का क्रॉलर है वो आज मेरी वेबसाइट पर आया था, क्योंकि मैंने उसको ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरे यूआरएल को जो है वो गूगल की सर्च में दिखाओ, तो इसका मतलब है गूगल ने उसको क्रॉल कर लिया। तो आप भी इस तरह जो है अपने न्यू आर्टिकल डाल के उसको यहां पर इंस्पेक्ट में आप जो है वो आप उसको रिक्वेस्ट भेजें। अगर आपका यहां पर आता है ना यूआरएल इज नॉट ऑन द गूगल, तो आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करना, तो आपकी रिक्वेस्ट इंडेक्स हो जाएगी और विद इन 24 आवर्स वो आपका जो लिंक है वो लाइव हो जाएगा। लाइव होने के बाद क्या होगा, गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट पर आएगा और जो कोड आपने वो वाला पेस्ट किया होगा तो उसको भी क्रॉल करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि इसने ads.txt स्टेटस जो है, जो फाइल है वो इसने ऐड की हुई है, तो वो वहां पर वो जो है वो ऑथराइज का ऑप्शन वो ऐड कर देगा और आपका जो इशू है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।